औरैया के इटाली गांव में अवैध संबंध के कारण भाभी ने अपने ही देवर की हत्या करा दी। दरअसल प्यार और हवस की चाह ने तीन तीन प्रेमियों की मदद से भाभी ने सिर्फ इसलिए हत्या करा दी कि मृतक इन हरकतों पर लगातार विरोध जताता रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को मृतक और उसके बड़े भाई ने सरिता को अज्ञात कारणों से मारपीट कर रात भर बाहर ठंड में रखा था, जिसको लेकर मृतक की भाभी प्रियंका ने कसम खाई थी कि वो अपने देवर की हत्या करा कर रहेगी। इसी के फलस्वरूप घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस अभी भी मामले में नजर बनाई हुई है। फिलहाल हत्या के तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस जेल भेज दी है। हम ही सुबह गए थे तो वहाँ इन लोगों ने तीन लोगों के खिलाफ, जिन्हें जो सामने घर है, मृतक का घर है, तो उनसे इनके अपने रंजित थी, खानदान बंद थे, उनके पारिवारिक खानदान वगैरह बंद था और आपस में विवाद होते रहते थे। और चूंकि मृतक की शादी ही कुछ दिन बाद होने वाली थी, तो इन लोगों ने बताया कि शादी नहीं होने दे रहा था, क्योंकि वो शादी हो रही थी तो उनके परिवार में हो रही थी। सिपाही भी था पुलिस विभाग का, तो उसको भी नामजद किया इन्होंने, तो उसको गिरफ्तार करके जो प्रारंभिक साक्ष्य थे उसके आधार पर उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। लेकिन टीम हमारी लगी थी, क्योंकि हमने उसी समय कहा था कि इसमें हर पहलू से जांच की जा रही है। हमने कहा कि भाई सही खुलासा ये हो, तो इन लोगों ने वास्तव में अथक परिश्रम किया और सर्विलांस सारी टीमें अपना सहयोग दे करके अंत में खुलासा कर ही दिया इसका। और सबसे पहले पकड़ा इन्होंने ब्रजेश यादव को पकड़ा, ये ग्राम मढ़ा भवानी का है, वहीं बगल का ही है कुछ दूर का, तो इसको पकड़ा सर्विलांस के माध्यम से कि इसके जो बातचीत होती थी आपस में, जो मतलब जो है मृतका की भाभी जिसका संदेश शुरू में ही गया था, तो उससे जो बातचीत होती थी उसके आधार पर जो है उसको पकड़ा गया। और उससे जब फेस टू फेस चीजें बताई गई और कन्फ्रंट किया गया कि हाँ ऐसे ऐसे आप बताइए, तो उसने फिर बताया, स्वीकार किया, स्वीकार करना पड़ा उसको कि हाँ मैं घटना में था और मुझसे जो है मृतका की भाभी ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने देवर से बहुत सख्त नाराजगी है और हमारा देवर जो है वो बहुत मारता पीटता है और हम पे बहुत संदेह करता है और मेरा पति भी जो है ही उसे देवर की ही बात मानता है और बहुत मार पिटाई करते हैं। और तो इस तरीके से कहा कि मैं उसको जरूर बदला लूंगी, उसको मारूंगी।